हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिति मम्मा लाइफस्टाइल। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ, जो कि मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। और ये ना तो कोई फूड रेसिपी का वीडियो, ना तो कुछ, मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक रखा है जो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, जिसमें मैंने 2018 में ग्रेड टू का टीचर का प्री एग्ज़ाम पेपर दिया था, जो कि मेरा दो सब्जेक्ट में था, जो कि मेरा मेन सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर था। बट मैंने दो सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दिया था, एक सोशल साइंस और एक हिंदी लिटरेचर, तो जिसमें मेरे दोनों क्वालिफाई हो गए थे। और दोनों क्वालिफाई होने के बाद 2018-19 और 20 के बीच सबको ही पता है कि क्या कंडीशन थी, कोरोना का टाइम था और उसके बाद से कोई वैकेंसी वगैरह भी नहीं आई है। मैंने दो अभी उसका 2024 में प्री मतलब 2018 में प्री हुआ था, अभी उसका मेन सेलेक्शन एग्ज़ाम होने जा रहा है, जिसकी मैं MPPV कंडक्ट कराएगी, जो कि 2024 में होगा। वो भी मैंने अभी फॉर्म वगैरह कुछ फिल नहीं हो रहे हैं, बट मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। एज अ मदर इतना मतलब इतना इजी नहीं है कुछ भी रीस्टार्ट करना, आफ्टर 6 ईयर प्लस दो बच्चों की माँ होके एंड जॉइंट फैमिली में रहना, जॉइंट फैमिली मेरे मतलब 6-7 लोगों के बीच में रहना, फिर बच्चों को देखना एंड फिर उसके बाद प्रिपरेशन करना, मतलब अपने लिए थोड़ी थोड़ी समय बचा के जो भी टाइम मिलना उसमें प्रिपरेशन करना है। तो मतलब इतना इजी भी नहीं है, बट कोशिश भी ना करें ये भी गलत होगा। तो मैं आज आप लोगों के साथ यही शेयर करने वाली थी कि मैंने जो भी एग्ज़ाम दिया था उसका मैं हिंदी लिटरेचर की मेन प्रिपरेशन करूँगी, जो कि मेरा मेन सब्जेक्ट था। मैंने मास्टर डिग्री भी उसमें की थी हिंदी लिटरेचर में, फिर मैंने उसी में, तो वो मेरा क्लियर था, दो सब्जेक्ट क्लियर है। बट मैं दोनों सब्जेक्ट की तैयारी तो नहीं कर सकती, क्योंकि बच्चे हैं छोटे, फिर जॉइंट फैमिली सारा कुछ देना, देखना बच्चों को, फिर मतलब उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा, टाइम ही नहीं मिलता। एज अ मदर जो कोई मदर होंगी वो मेरी प्रॉब्लम को अच्छे से समझेंगी, क्योंकि बच्चों के साथ में पढ़ाई करना और विद फैमिली, मतलब जॉइंट फैमिली में आप रह रहे हो, तो वो फिर पढ़ाई के लिए तो आपको टाइम मिलना ही नहीं है, क्योंकि कितना भी कोशिश कर लें नहीं हो पाता है। बट ट्राई करने में क्या जाता है, एक बार अगर लाइफ चांस दे रही है तो ट्राई करके देख लेते हैं ना, ना हुआ कुछ तो किसी की इंस्पिरेशन तो बन ही जाएंगी। क्योंकि मैं भी कुछ लोगों का वीडियो देखती हूँ, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा उनसे इंस्पिरेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है, कि एज अ मदर वो मतलब टाइम ऐसे मैनेज करती हैं अपने लिए, तो शायद हो जाए, मतलब खुद पर भरोसा करके कुछ भी काम करो। तो अभी तो ऐसे ही लग रहा है आफ्टर 6 ईयर रिस्टार्ट करना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो लग ही रही है, बट उसके बाद अगर देखते हैं धीरे धीरे कैसे मैनेज होता है। अभी तो ठीक है, अभी अच्छा फिर जॉइंट फैमिली में रहना, अगर लाइफ चांस दे रही है तो एक बार खुद को चांस देना चाहिए, अगर कोशिश करने में क्या जाता है ना। तो अभी मेरा हिंदी लिटरेचर मेन सब्जेक्ट है, जिसकी मैं प्रिपरेशन करूँगी। अभी इसका शायद अगस्त में तो नोटिफिकेशन कुछ भी आया नहीं है ऐसा कि इसका एग्ज़ाम होगा, बट जैसे ही इसका अभी फॉर्म भी फिल नहीं हुए हैं, बट मैंने अभी 2 महीने हैं, तो फिर अभी पढ़ाई स्टडी चालू कर दी है। मैंने अपना फुल डे रूटीन आपके साथ शेयर किया है, जिसमें मेरे 2 बच्चे हैं, अभी दृति स्कूल भी जाने लगी है, तो उसका वीडियो मैं आपका साथ शेयर नहीं कर पाई कि बच्चे हैं तो उनको दिन भर घुमाना ले जाना, मतलब खाना पीना खिलाना, फिर उसके बाद उनको बाहर भी घुमाने ले जाना, उनकी देखभाल करना, फिर उसमें अपने लिए समय निकालना बहुत ही बड़ी बात होती है। और मतलब मैंने 6 सालों में अभी किताबों को हाथ तक नहीं लगाया है कि मैंने किसी भी तरह देखा, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम की वैकेंसी आई नहीं, फिर इस बीच में कुछ ऐसा मतलब वैकेंसी उस तरह की नहीं आई है कि अपनी प्रिपरेशन करें कुछ भी करें। तो अगर जो भी 2018 में जिन्होंने भी फॉर्म फिल किया था वर्ग 2 का, तो वो अभी जिनका भी क्वालिफाई है वो 2018 वाले 2024 में वो अप्लाई कर सकते हैं एंड पेपर दे सकते हैं फाइनल एग्ज़ाम सिलेक्शन के लिए, तो जिनका भी रहा हो वो अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी एक बार कोशिश कर रही हूँ लाइफ में, क्योंकि
अगर चांस मिल रहा है तो कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि बाद में पछतावा ना रह जाए, है ना, कि कोशिश भी नहीं की है। अगर उसका कुछ भी होता है फाइनल रिजल्ट, कोशिश करो, अच्छा ही होगा। पॉजिटिव चीज़ें सोचना चाहिए, ऐसे मन नहीं सोचना चाहिए कि नहीं होगा, होगा क्यों नहीं, खुद पे भरोसा रखना चाहिए। मदर एज अ मदर आप जो कोई भी होगा वो ऐसी चीज़ें समझती होंगी कि बेबी के साथ में पढ़ाई करना तो इतना पॉसिबल नहीं होता है, इतना इजी नहीं होता है, बट हो गया ना। अगर है तो फिर उनको भी मैनेज करके फिर इंसान को देखना पड़ता है, मतलब खाना पीना, परिवार की जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर उसके बाद बच्चों की केयर करना, फिर उसके बाद पढ़ाई करना, मतलब दिन भर आदमी इतना थक जाते हैं कि मतलब अगर पढ़ाई के लिए तो कोई भी एकदम हिम्मत ही नहीं रह जाती, बट कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, मतलब अभी एक दो दिन ही हुए हैं मुझे स्टार्ट किए हुए प्रिपरेशन, तो जो भी समय मुझे मिलता है मैं उसमें समय निकाल के थोड़ा बहुत अपना पढ़ाई करती हूँ। और दिन में तो मुझे एक भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि पूरा दिन ऐसे निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता। तो मेरा मेन ब्लॉग ऐसे स्टडी ब्लॉग बनाना नहीं है, क्योंकि लाइफ में मैंने अगर स्टडी करी है, मैंने अपना लाइफस्टाइल चैनल आपके साथ शेयर किया है कि मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आप मेरी फैमिली का हिस्सा हो, मेरे फैमिली मेम्बर्स हो, तो मैं वो सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरा फुल डे रूटीन था, जो भी मैं करती हूँ बच्चों के साथ। नाइट में भी मुझे टाइम नहीं मिलता, अगर मैं पढ़ने बैठूँ तो ये आगे ही पढ़ने बैठ जाते हैं। ठीक है, मैं 2 साल का बेटा है और 5 साल की लड़की है, मतलब दोनों अभी इतने समझदार नहीं है कि चीज़ों को समझें कि क्या है कैसे। उनको लगता है मम्मा क्यों पढ़ रही है, अब आप क्या कर रही हो पढ़ना, ऐसे होता है। मेरा अगर कोई मेन प्रॉपर चैनल तो फूड रेसिपी का या फिर ब्लॉगिंग का नहीं है, मेरा लाइफस्टाइल चैनल है। जो भी चीज़ें मेरी लाइफ में या मेरी चीज़ें होती हैं जो भी मेरे साथ, वो मैं सब आपके साथ शेयर करती हूँ, और मैंने ये भी किया है। तो अभी तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा बंद करके मैं अभी स्टडी वाला डे रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो भी मैं अभी अपना 2 महीने तक स्टडी का जो भी प्लान रहेगा वो आप लोगों के साथ, अगर मेरा वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और सजेस्ट करिएगा आप लोगों ने कौन सी बुक वर्ग 2 के लिए अच्छी है, मतलब कहाँ से प्रिपरेशन करी। अभी मैंने कोई सब्सक्रिप्शन भी नहीं लिया है, क्योंकि मैं अभी बिनर्स और सत्यार्थी शर्मा जो भी क्लासेस हैं उनका देख रही हूँ, अगर दोनों में मुझे जो भी सही लगेगा उनका मैं ले लूँगी। और अभी ऑनलाइन टेस्ट भी उसी से प्रिपरेशन करूँगी उसकी। तो अभी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि अभी तो सिलेबस को समझना देखना वही बहुत बड़ी बात है, मतलब आप 6 सालों के बाद फिर से रीस्टार्ट करना नॉर्मल बात नहीं है, मतलब मेरे लिए नहीं होगी, नहीं है, क्योंकि बच्चे हैं, फिर एकदम से चीज़ों को छोड़ देना, फिर शुरू से सब कुछ शुरुआत करना, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। चलिए, मैंने अपना फुल डे रूटीन शेयर किया आप लोगों के साथ। बच्चे हैं, इनको नींद भी नहीं आती, ये मैं अगर जगूंगी रात तक तो ये मेरे साथ ही साथ जगते हैं। तो मतलब धृति को मुझे स्कूल भेजना होता है तो मुझको उसको भी टाइमली सुलाना है, फिर ये सोता भी नहीं है, अगर वो सो जाएगी तो ये नहीं सोता, अगर पढ़ने बैठो तो इनको सब कुछ ये भी मुझे ही दे दो, मैं पढ़ लूँ सारा कुछ, तो ये भी नहीं पढ़ने देते। तो मैंने अपने चैनल में पहले ही बता रखा है कि मेरा कोई प्रॉपर फूड या फिर ब्लॉगिंग ऐसा कोई चैनल नहीं है, मेरा लाइफस्टाइल चैनल है, जो भी मेरी लाइफ के पार्ट्स हैं, जो भी मेरी लाइफ में चीज़ें या फिर अच्छी बुरी जो भी चीज़ें होती हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ऐसा मेन पर्पस मेरा ब्लॉगिंग या स्टडी का वीडियो बनाना नहीं है। तो मैंने अभी जो मेरी लाइफ में चल रहा है वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और अभी तो फ़िलहाल इसी पे फोकस करते हैं। अगर चांस है तो मतलब 2 महीने की 3 महीने की बात है, देख लेते हैं प्रिपरेशन करके। अगर मैं भी किसी से मोटिवेट ही हुई हूँ जो ये सब चालू किए हूँ, मैंने भी कई वुमेंस के जो मदर एज अ मदर प्रिपरेशन कर रही हैं मैंने उनका वीडियो देखा है, तो मुझे भी लगा कि अगर सब कुछ सब कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। तो मैंने भी इसे स्टार्ट किया है, शायद किसी की प्रेरणा ही बन जाऊँ, कोई मुझसे भी देख के प्रेरित हो जाए पढ़ने के लिए जैसे मैं किसी से हुई हूँ, है ना। ज़िंदगी है, हार जीत का फैसला कुछ अपने हाथ में नहीं होता, लक बहुत बड़ी चीज़ होती है, किस्मत भी बहुत बड़ी चीज़ होती है जो कि हमारे साथ ही चलती है। अगर लाइफ में आपकी आप बहुत ही मेहनत कर लो
आपकी किस्मत में नहीं है तो वो चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, बट अगर है तो उसको भी कहीं ना कहीं वो भगवान आपको एक संकेत देता है, एक ये देता है कि आप करो ऐसा, शायद एक बार हो जाए तो कोशिश करने में क्या जाता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और बताइएगा। मैं ऐसे डेली रूटीन अपना जो भी मेरा 60 डेज का चैलेंज है कि 60 या 90 डेज का जो भी अभी प्रिपरेशन, मतलब एग्ज़ाम की डेट तो फाइनल नहीं हुई है, फॉर्म भी फिल नहीं हुए हैं, तो देखती हूँ कब तक होता है। लेकिन धीरे धीरे जो भी मेरा एक घंटा दो घंटा मतलब जो भी मुझे टाइम मिलता है मैं वो उसमें प्रिपरेशन करूँगी। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। इनको देखिए, ये मेरे साथ ही साथ पढ़ेंगे अभी जब तक मैं जगूंगी, तो ये रात में जगने वाला है मेरे साथ में। तो ठीक है, बाय बाय। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।